आपके एंड्रॉइड फोन में स्पीड डायल वर्क नहीं कर रहा और आपने पहले से ही उसमें नंबर डाल रखे हैं कुछ इस तरीके से, तो सिंपली उसके लिए क्या करना होगा, बने रहिए वीडियो साथ में, वीडियो कीजिए लाइक एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए, टोटल इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीडियो में मिलने वाली है। साइड में देख सकते हो फोन की स्क्रीन पर परफेक्टली आपके लिए शो कर रही है। यहाँ पे लेने से पहले क्या करना होगा, अपने एंड्रॉइड फोन में ये देख सकते हो हमारा स्पीड डायल को हमने ओपन कर रखा है और आपको इसको ओपन नहीं करना आता है तो आई बटन पे मैंने लिंक पिन कर रखी है, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, वो वाली वीडियो हमारी मिल जाएगी, इसमें मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है किस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो नए बंदे हो वो उस लिंक उस वीडियो को फटाफट से पहले देखें, फिर यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई स्पीड डायल हमारा ओपन हो रखा है, पहले से भी हमने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमने नंबर डाल रखे हैं भाई, दो नंबर पे हमारी मॉम का नंबर है और डैड का है हमारा, थ्री नंबर पे ठीक है, और मतलब और भी नंबर है, तो मैंने सबको मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। अब क्या बात आ रही है, मेन मुद्दा ये आ रहा है कि आपने इसको सेट तो कर लिया है भाई, ठीक है, अब ये हमारा वर्क नहीं कर रहा, वर्क करने की प्रॉब्लम आ रही है, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपने ट्राई नहीं किया होगा मे बी, सो कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा तो उनकी लग गई होगी, और किस तरह नहीं मतलब कॉल लग गई होगी कॉल, तो किस तरीके से आपको लगानी, सिंपली आपने कॉल में जाइए, कॉल में जाने के बाद जहाँ पे आप डायल पैड पे आप नंबर टाइप करते हो ना, उस तरीके से जिस भी नंबर पे आपने क्या है नंबर सेट कर रखा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं मॉम को कॉल लगाना चाहूँ तो मैंने मॉम का नंबर किस पे सेट किया है, टू नंबर पे। ठीक है, तो मैं टू नंबर को सिंपली प्रेस करके रखना होगा, प्रेस करके रखने के बाद ये देख सकते हो हमारी जो कॉल है वो कंटिन्यू लग चुकी है यहाँ पर। ठीक है, हमारी जो कॉल लग गई है परफेक्टली। तो हमें क्या है भाई, यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी कॉल नहीं लग रही थी, उसको आप क्लिक करते होंगे। ठीक है, क्लिक नहीं करना है यहाँ पर, सिंपली आपको क्या करना है भाई, प्रेस करके रखना है उस ऑप्शन के लिए, यानी उस नंबर के लिए प्रेस करके रखना है जिस नंबर पे आपने जिस बंदे का नंबर डाल रखा है उसी की कॉल लगेगी। जैसे मानो मैं अपने फ्रेंड का किसी का डाल दूंगा, ठीक है, नाइन पे डाल दूंगा अपने फ्रेंड का। ठीक है, तो नाइन को जब मैं प्रेस करके रखूंगा तो वहां पर वो क्या है भाई, उसकी कॉल लग जाएगी जब तक मैं प्रेस करके रखूंगा तब तक। अगर मैं ऐसी सिंपली क्लिक करूंगा सिंपली नहीं लगने वाली, अगर सिंपल या इसी तरीके से रखा जाए कि हाँ भाई क्लिक कर दिया कॉल लग नहीं, इस तरीके इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अगर आप कोई नंबर वगैरह यहाँ पर डायल कर रहे हैं, डायल पैड पे टाइप कर रहे हैं, तो अगर वहां से अगर किसी को कॉल लग गई फिर क्या करेंगे आप, इसलिए इसको प्रेस करके रखने पड़ता है जिसकी वजह से ये कॉल लगाए। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ आप इसे नंबर पे जो भी नंबर आपका सेव हो रखा है, इस बंदे को आपने भाई की दे रखी है, वो उस की को वो समझ के फटाफट से उसको कॉल लगा देगा। तो ये चीज होती है हमारी स्पीड डायल, यानी स्पीड में आप डायल कर सकते हो बिना फाइंड किए हुए नंबर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड चैनल के सब्सक्राइब, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में।